तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गायों के पालन पर आपत्ति जताते हुए नोटिस जारी किया। किसानों ने सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना की। एक सार्वजनिक नोटिस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गोपीनाथम और आसपास के गांवों के किसानों से मवेशियों विशेषकर गायों की संख्या को उनकी न्यूनतम जरूरतों तक सीमित करने के लिए कहा है। बीबीएमपी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा में अतिक्रमण विरोधी अभियान फिर से शुरू किया। एक महीने से अधिक समय के ठहराव के बाद गुरुवार को बीबीएमपी ने महादेवपुरा क्षेत्र में बरसाती नालों से अतिक्रमण हटाने का अपना अभियान फिर से शुरू किया। बीबीएमपी के एक बयान के मुताबिक नगर निकाय ने एक नया सर्वेक्षण किया और महादेवपुरा क्षेत्र में 6 अतिक्रमण हटा दिए। नगर निकाय के अनुसार क्षेत्र में कुल 142 अतिक्रमण अभी तक हटाए नहीं गए हैं। मदिकेरी स्टेट वाइल्ड लाइफ PCCF और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के आदेश के बाद डिब्रे एलिफेंट कैंप से 5 पालतू हाथियों को मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। दल के साथ डिब्रे कैंप के महावत भी जा रहे हैं, जो कुछ दिनों तक जानवरों के साथ रहने की संभावना रखते हैं, ताकि उन्हें नए परिवेश और लोगों के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिल सके, और उन्होंने गुरुवार शाम को अपनी यात्रा शुरू की। क्रिसमस और नए साल से पहले कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को पब, बार, रेस्टोरेंट, मॉल, कार्यालयों, बसों और ट्रेनों जैसी इंडोर और बंद जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, इंडोर क्षेत्रों में अधिक सख्ती से बचने की जरूरत है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार 22 दिसंबर को पूर्व विधायक और मुरुगा मठ के पूर्व प्रशासक एसके बासवराजन को सशर्त जमानत दे दी, जो बलात्कार के आरोपी लिंगायत द्रष्टा शिवमूर्ति मुरुगा शिरनरू के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप में हिरासत में है। शिवमूर्ति खुद 2 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोप में 1 सितंबर से न्यायिक हिरासत में है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने गुरुवार को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री SS मल्लिकार्जुन और 3 अन्य के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मामला दर्ज किया। जब उनके फार्म हाउस पर 29 जंगली जानवर पाए गए, एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि फार्म हाउस से चित्तीदार हिरन, काला हिरन, लोमड़ी, नेवला सहित लगभग 29 जंगली जानवरों को जब्त किया गया। कर्नाटक सरकार बेलगावी में स्टार कैटेगरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करेगी। कर्नाटक के उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने शुक्रवार को बेलगावी में एक स्टार कैटेगरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने का आश्वासन दिया, क्योंकि इस सीमावर्ती जिले के एक भाजपा विधायक ने हाल के दिनों में यहां कोई मेगा उद्योग नहीं आने और सुविधाओं के कारण पड़ोसी महाराष्ट्र में प्रवाहित होने पर चिंता व्यक्त की। बेलगावी कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र के नेताओं के बयानों की निंदा करने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया और कहा कि महाजन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कर्नाटक के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। विधानसभा में प्रस्ताव पढ़ते हुए CM बसवराज बोम्मई ने कहा, महाजन आयोग की रिपोर्ट को पेश हुए 66 साल हो चुके हैं,